बात आम आदमी पार्टी की, जिसके विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2023 के एक फिरौती मांगने के मामले में कल नरेश बालियान की गिरफ्तारी हुई। आज बालियान को द्वारका कोर्ट में पेश किया जाना है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई एक ऑडियो क्लिप के बाद सामने आई और उसकी जांच भी की गई। वायरल वीडियो क्लिप में नरेश बालियान गैंगस्टर अमित सांगवान के बीच व्यापारियों से फिरौती मांगने की संबंधी बातें सामने आई हैं। 2023 के इस कथित जबरन वसूली मामले में अपराध शाखा द्वारा नरेश बालियान से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आप विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसमें गैंगस्टर और बालियान के बीच बातचीत रिकॉर्डेड थी। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली वाली पार्टी बताया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के लगातार दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाने के चलते ये सब हो रहा है। आपने वीडियो क्लिप को फर्जी बताया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस मामले की लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक का और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। किस प्रकार से शराब माफिया, फिर उसके बाद बिल्डर माफिया, ड्रग माफिया के बाद अब गुंडों के साथ, गैंगस्टर्स के साथ इनके संबंध है। कैसे फोन पर बात की जाती है कि फिरौती कैसे लेनी है, वसूली कैसे करनी है, यह भी प्रमाण सामने निकलकर आ चुका है। और एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी न केवल भ्रष्ट है बल्कि गुंडों की पार्टी भी है, और ये गुंडागर्दी की वजह से ही आज दिल्ली की ये हालत बन चुकी है। तो आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़ के आई थी राजनीतिक पटल पे, आज वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरह फिरौती मास्टर और जंगल राज मास्टर बन चुकी है। केजरीवाल आल्सो वन ऑफ देम। शराब घोटाले में अंदर गया, मनीष सिसोदिया जी अंदर गया, सत्येंद्र जैन अंदर गया, लेकिन आतिशी और केजरीवाल दोनों चुप्पी साधे हैं, उनकी जबान नहीं खुल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दुनिया सुधारने के चल रहे थे, अपने अपने लोग व्यवसायियों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करते हुए, और अभी तक वो चुप्पी है, तो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? ये भी बताएं कि पुलिस ने झूठा उनका अरेस्ट किया है। केजरीवाल पर कोई हमला नहीं हुआ था, एक शोमोटो करते हैं, नौटंकी करते हैं, चार दिन बाद वो इन्हीं का व्यक्ति मिलेगा। भाजपा की सदस्यता तो कोई भी आदमी ऑनलाइन ले सकता है, तो ऐसे अपने लोगों को भाजपा, और भाजपा के भी अगर वो सदस्य होगा तो इनसे तंग आ गया होगा। हो सकता है मार्शल होगा, परमानेंट क्यों नहीं हुआ, हो सकता है टीचर होगा, परमानेंट क्यों नहीं हुआ, ये भी कई समस्याएं हैं। तो इसीलिए ये राजनीति है, इसमें केजरीवाल कल को फायर भी करवा सकता है अपने ऊपर। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बैठक की। दिल्ली प्रदेश भाजपा की सभी समितियों की संगठनात्मक बैठक में प्रदेश भाजपा